अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ मैं हूं डॉक्टर माहम सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा ये शो जो कि रेगुलर बेसिस पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और इस्लामाबाद रोड के सराउंडिंग एरियाज़ में नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हैं। उसके अलावा बोन की फर्दर और भी इशूज़ डील करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बैकएक इन चिल्ड्रन के बारे में जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अलार्मिंग फैक्टर होता जा रहा है। आइए डॉक्टर साहब से जो जानते हैं कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब हमें बताएं कि लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों किया हुआ है कि बच्चे अगर इस तरह के वो करते हैं तो मोस्टली उनका ये होता है पेरेंट्स का कि वो कहते हैं कि स्कूल नहीं जाना या कोई होमवर्क नहीं किया होगा या कोई टेस्ट होगा तो इसलिए बच्चे बहाने बना रहे हैं। तो हाउ सीरियस इज बैकएक इन चिल्ड्रन? बैकएक इन चिल्ड्रन बच्चों में जो कमर का दर्द है ना जी, वो बहुत सीरियस है। ओके। इसलिए सीरियस है कि एक तो ये कॉमन नहीं है। बच्चों में कमर का दर्द आम तौर पे नहीं होता है, ओल्ड एज में होता है जी, मिडिल एज और ओल्ड एज में होता है, बच्चों में कॉमन नहीं है। तो अगर बच्चों में कमर का दर्द हो तो इसको सीरियस लेना चाहिए। ओके। दूसरी ये जो बात है कि बच्चों में क्यों हो जाता है कमर का दर्द, बच्चों में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कमर की जो कि पैदाइशी भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक बीमारी है स्कोलियोसिस जी। कमर जो है ना, कमर के मोड़े सीधे होते हैं, सर से लेके हिप्स तक सीधी एक लाइन में होते हैं। तो अगर आप एक्सरे कराएं तो आपको ऐसे टेढ़े होके मिलेंगे। आप प्रोग्राम में स्क्रीन पे आप एक्सरे भी देख सकते हैं स्कोलियोसिस के, तो सीधी सीधी नहीं होगी, वो टेढ़ी होगी, जिसको लेमैन लैंग्वेज में हंचबैक कहते हैं डॉक्टर साहब, या वो डिफरेंट चीज है? हंचबैक मेरे ख्याल में वो काइफोसिस होता है जिसको कुबा नहीं कहते हैं, वो और चीज होती है। अच्छा। काइफोसिस बच्चों में बहुत कम उम्र के बच्चों में नहीं होती है, ओल्डर नहीं, नहीं वो टीन एज में हो सकती है जी जी, लेकिन वो भी कॉमन ओल्ड एज में है, लेकिन बच्चों में वो भी काइफोसिस भी हो सकती है। अच्छा। तो इसमें स्पाइन के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कमर का दर्द देती हैं। ये एक प्रॉब्लम जो मैंने बताया पैदाइशी, उसके अलावा बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि कमर के दरमियान मोहरों के दरमियान में जो डिस्क होती है उसका जो इन्फेक्शन है डिस्काइटिस इन्फेक्शन, वो भी बच्चों में कॉमन है, बच्चों में भी और जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं 90 साल का बंदा है उनमें वो डिस्क की इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिडिल एज में भी होते हैं, अगर ट्यूबरकुलोसिस हो तो डिस्क में ट्यूबरकुलोसिस होती है बेसिकली, तो उसमें भी उनके उनमें भी ये इन्फेक्शन की वजह से बच्चों में ये होती है। तो ये चूँकि बच्चों में ये सीरियस चीज़ है, सीरियस चीज़ इसलिए भी है कि बच्चों की बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, वर्टिब्रे भी, कमर के मोरे भी, बाकी हड्डियाँ भी। तो अगर इसका उसी वक्त इलाज ना किया जाए तो एक तो ग्रोथ रुक सकती है। अच्छा। हड्डियों का बढ़ना, दूसरा अगर हड्डियाँ बढ़ेंगी तो उसी रॉन्ग डायरेक्शन में ही बढ़ती जाएंगी, जिस तरह वन ऑफ द एग्जांपल इज स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में मोस्टली मैंने देखे एक पेशेंट जिसके अंदर जो बिल्कुल झुकी हुई कमर होती है बच्चों की और वो टेढ़ी सी बैक होती है। नहीं नहीं, उसमें झुकी हुई नहीं होती है। अच्छा। उसमें उसमें अगर आप उसके अगर आप शर्ट वगैरह उतारें ना, या अगर अगर उसमें शर्ट कोट शर्ट उतार दें, सिर्फ उसने शर्ट पहनी हो या शर्ट उतार दें, तो वो ऐसे होगा, एक कंधा ऊपर होगा, अच्छा, एक कंधा नीचे होगा, आपको फील होगा। और अगर उसकी शर्ट उतार दें और पीछे से आप व्यू करें उसको, तो जो जो शोल्डर के ब्लेड्स हैं स्कैपुली, आप देखेंगे वो एक जगह पे नहीं है, वो एक नीचे है एक ऊपर है। तो वो ऐसे करके चलेंगे, ऐसे करके बैठे होंगे। ओके, दैट इज अलार्मिंग। तो मतलब अगर बच्चे इस तरह बोल रहे हैं तो दिस इज़ नॉट अ थिंग टू बी टेकन फनी, ये बड़ा सीरियस मैटर है जी। ऑफ कोर्स। तो डॉक्टर साहब ये फिर इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आप, मतलब क्या इसको ट्रीट करते हैं? जिस तरह हमने पहले भी प्रोग्राम्स में जिक्र किया है ना कि अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बीमारी की तशखीस जितनी जल्दी होएगी उतना जल्दी इलाज होगा, उतने बेहतर रिजल्ट्स होंगे जी। बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को नंगा नहीं देखते, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स हैं, और अगर देखते भी हैं तो उस आंख से नहीं देखते कि देखूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि एक बच्चा तो नहीं बताएगा, कमर का दर्द बता देगा, लेकिन अगर स्कोलियोसिस है उसको ऐसे करके चल रहा है तो वो तो नहीं बताएगा आपको, वो तो आपने ऑब्जर्व करना है ना। तो पेरेंट्स के लिए पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, पेरेंट्स के लिए ये है कि जब आपका बच्चा छोटा सा हो
और आप उसको नेपी चेंज कराते हैं या वो चलने की उम्र में है, मिसाल के तौर पे 2 साल के से ऊपर है, तो जब वो सिर्फ शॉर्ट्स पहन के नेपी पहन के चलता है तो कम से कम उसको देखें, उसकी उसकी कमर सीधी है, टेढ़ी है, एक कंधा ऊपर है, एक कंधा नीचे है। और उससे अहम चीज़ ये है कि कोई भी बच्चा आपको कंप्लेंट करते हैं ना कि मेरी कमर में दर्द है, तो पेरेंट्स के लिए जो पब्लिक अवेयरनेस हम ये क्रिएट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत, जो टेक होम मैसेज है कि कभी भी इसको इग्नोर नहीं करें। ये मत कहें कि अच्छा हम इसको इसके ऊपर तेल की मालिश कर देते हैं, अच्छा बच्चा है गिरा होगा, अच्छा इसको ये दवाई दे देते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं मत करें। अगर तो या इस तरह कह लेना कि अगर तो कमर का दर्द बच्चे में 2-3 दिन से ज़्यादा है और उसमें चोट भी नहीं लगी, मिसाल के तौर पर गिरा भी नहीं ऊपर से, अगर गिरा होगा तो फिर तो फौरन ले जाएंगे ना जी। अगर चोट के बगैर है और 1 हफ्ते से भी ज़्यादा है दर्द, उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात मैंने वो की है नोटिस कि एक और चीज़ होती है कि लोगों को ये आजकल बोलते हैं बच्चों को सॉफ्ट मैट्रेसेस पे सुलाएं या हार्ड मैट्रेस पे सुलाएं, तो समटाइम्स मैंने एक नोटिस किया इन अ पेशेंट के जो है ना, एक बच्चा केम के उसको बैक एक हो रहा है और नी एक हो रहा है बिकॉज के वो सॉफ्ट मैट्रेस पे सोता है। इज़ दैट समथिंग, ये कि ये एक मिथ है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स एक्चुअली। इसमें ऐसे ही है जैसे आप मेडिकेटेड शूज़ पहन लें, मेडिकेटेड मैट्रेस इस्तेमाल कर लें, मेडिकेटेड फलां यूज़ कर लें, पिलो यूज़ कर लें, तो ये असल में कुछ नहीं होता। ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। देखिए बहुत से लोग हैं जो ज़मीन पे सोते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, उनकी आदत है, वो दे फील कंफर्टेबल, बिल्कुल ठीक। बहुत से लोग हैं जो ज़मीन पे लेटे तो नींद ही नहीं आती। तो अब ये गलत कहना, ये कहना गलत है कि ज़मीन पे लेटना गलत है। वो ऑल डिपेंड्स कि आप मैट्रेस पे सोएं, आप चारपाई पे सोएं, आप ज़मीन पे सोएं, जहाँ आप फील करते हैं कि आपके लिए कंफर्टेबल है, दैट्स गुड फॉर यू। लेकिन फिर इसकी वजह से बैकिंग नहीं है, क्यों हो रहा? नहीं, वो बैकिंग तो फिर वही है ना कि अगर आपको ज़मीन पे सोने से कमर का दर्द होता है तो इसका मतलब आप कंफर्टेबल नहीं है उस पे, तो आप ना सोएं। कंफर्ट लेवल से exactly. लिंक है, ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर मोस्टली। डॉक्टर साहब आप दुकानें बंद करवाएंगे बहुत सारे लोगों की, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इस तरह ऑर्थो शूज़ ऑर्थो ये कहते हैं बहुत ज़्यादा कि जो है बच्चों को ये पहनाए। चलो ये तो हमें पता चल गई कि तो चीज़ें नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, बाकी सारी एक तो हमने बात कर ली, एक चीज़ें आती हैं बाकी, जो अगर बच्चे को जो आपने कहा कि घर पर मसाज वगैरह अवॉइड करें, हॉस्पिटल में ले जाए, तो हॉस्पिटल में मतलब आप फिर उसकी सर्जरीज के थ्रू रिप्लेसमेंट वो करते हैं या उसको फर्दर कोई कंजर्वेटिव मेजर्स देते हैं या व्हाट? वो तो फिर एग्जामिनेशन है ना पेशेंट का, पेशेंट का पूरा चेकअप हो, पता चले किस वजह से है वो जी, फिर जिस जो उसकी तशखीस होगी, डायग्नोसिस होगी, फिर उसी के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, ऑन दैट नोट बच्चों को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर उनको इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कराएँ एंड डोंट टेक देम टू लाइट। फर्दरली अगर इस तरह का कोई चीज़ आपको मेंशन हो रहा है और सराउंडिंग्स में देख रहे हैं और आपके बच्चे इस तरह का इशू फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, और आप अपॉइंटमेंट्स बुक कराएं, कंसल्टेशंस लें डॉक्टर साहब साथ, एंड मेक श्योर यू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो उसके अलावा जो है, जो लोग बाहर किसी और कंट्री में रहते हैं या किसी और सिटी में रहते हैं, वो भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं, और वो भी सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हमारे से कॉन्टैक्ट करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।